भैराराम जी का और हनुमान बेनीवाल का कुछ सब कुछ अच्छा बनता है, क्या सपोर्ट किया था 2018 में? मिर्जा अशोक शेरा के साथ अच्छी बनती है वो, बोलना चाहिए कुछ ऐसे कांग्रेस के राजनेता है वो ऐसे खुद कह रहे हैं कि हम तो भैराराम जी आपका सपोर्ट करेंगे। बद्री जी तो नहीं आप, अब मैं नाम क्यों बताऊं, नाम से क्या अपने को करना है। जोधपुर जिले के मुख्यमंत्री बन रहे तो ओशियन से तो आपने चुनाव लड़ा है। आपका आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इस परिवार की बनी किस है? एक आदमी राजस्थान में ऐसा नाम बता दो जिसकी इस परिवार से बहुत पुराने संबंध रहे हैं और बहुत अच्छी बनी है। सेना में जो कोई सेना होती है उसका सेनापति एक होता है, इस सेना के सेनापति कितने हैं? ये है कि उस समय वसुंधरा राजे जी के साथ थे, हालांकि उस समय पूरी पार्टी एक थी। इन दिनों की अगर बात करो राजस्थान में ये परसेप्शन है कि वसुंधरा राजे का गुट अलग है, सतीश पूनिया का गुट अलग है, राजेंद्र राठौर का गुट अलग है। भैराराम सियोल इस बार जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? 2018 में जब आप चुनाव लड़े थे ऐसी बातें आ रही हैं कि जो सामराऊ का कांड हुआ था वो भैराराम जी के लिए काफी मुश्किल भरा कांड रहा, क्योंकि उस समय से काफी इस प्रकार के परसेप्शन बन चुके थे कि भैराराम को वो जो कांड हुआ वो काफी नुकसान कर गया, इससे आप चुनाव हार गए। करतिये का इशारा किस तरफ था आपका? अब देखिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई कोई करते हैं या कोई करती है, वो 24 आवर्स की राजनीति करते हैं और वो 24 आवर्स की राजनीति इसीलिए करते हैं कि हमें सामने वालों को डाउन कैसे करना है। इन्होंने ही कहा कि इनके परिवार ने कहा कांग्रेस दल जो है वो गलत है। वर्तमान मुख्यमंत्री भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री है तो अब वो अच्छे हैं बुरे में उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि वही जवाब दे रहे, उनको पता ही नहीं है इनके समर्थकों को, आधे से ज्यादा तो वो मंदबुद्धि के शिकार है। उसके अंदर प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ इनके, कि आप एक ही पंचायत समिति के अंदर सात सात आठ आठ बार आप ऐसे वीडियो चेंज कर रहे हो उसका कारण बता दो, ऐसा क्या है भाई? एक वीडियो पसंद नहीं आया चलो ठीक है दूसरा लगा दो, दूसरा नहीं तीसरा लगा दो, तीसरा नहीं चौथा लगा दो, चौथा नहीं तो पांचवा लगा दो। प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर सात से आठ आठ बार, सात सात से आठ आठ बार आपने वीडियो चेंज कर दिए। सभा में ये चिल्लाते हैं कि हमारी 39 सड़कें कैंसिल कर दी, तो जोधपुर का मुख्यमंत्री जब आपने बनने का दावा किस आधार पे किया था? आपका ही स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप ऑडियो और वीडियो या कोई भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीज तो आपके सामने भी आई होगी कि जोधपुर की मुख्यमंत्री तो मैं हूं। जब ओशिया से आपने चुनाव लड़ा है और आपने मुख्यमंत्री का दावा किया कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, तो फिर 39 सड़कें आपकी क्यों गायब हो गई? कि पीएचडी मंत्री ओनली फॉर रबड़ी स्टैंप, आप तो विधानसभा में बोले ना कि रबड़ी स्टैंप ही है, क्यों? आपके चहेतों को टेंडर नहीं मिला, किसी को बदनाम क्यों कर रहे हो? समय आने पे उस पर भी मानहानि का मुकदमा डालेंगे बिल्कुल, पर अब ऐसा मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, जो सुनने वाले हैं वो भी समझ गए।